अपनी नगरी को छोड़ करके चले हैं। देखिए, कहते हैं कि समय को बदलते हकीकत में कभी देर नहीं होती है। कब कितने टाइम किसे क्या हो जाए कोई पता नहीं। पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। कोई पता नहीं कब कितने टाइम किस मोड़ पर ये समय छोड़ जाए, कोई पता नहीं है। अभी हम अच्छे से कथा कह रहे हैं, कुछ सेकेंडों में हमें क्या हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि समय से किसी की पेश नहीं गई। एक कवि कल्पना कर रहा है और लिखा है कि सदा दिन एक से और किसी के न गुजरते थे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते में नाम छप गया था। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, ये नगला कंस की बात है कि इकलौता ही बेटा जिस समय अपना विवाह करके आया, तो क्या देखा है, जब रात्रि हुई तो बेटा इन्वर्टर सेट कर रहा था। कालवनी का ऐसा तमाचा लगा जो उसी रात्र में उस बेटे का देहांत हो गया। अब अंदाजा ये लगाइए, क्या उस बेटी ने ये सोचा होगा कि मुझे जाते ही जाते रड़ापा भोगना पड़ेगा। कल वो बेटा खुशियों के साथ में होड़ी पर सवार होकर के अपनी बारात लेके गया था, और पल में वो खुशियां दुख में बदल गई, तुरंत धरती पर पौड़ा दिया। क्या है, एक समय, कोई पता नहीं कि कब कितने टाइम इंसान को क्या हो जाए। हम लोग अकड़ते हैं, मरे जा रहे हैं, कोई पैसे के चक्कर में घूम रहा है, कोई किसी के चक्कर में घूम रहा है, यानी चक्कर मतलब हर किसी का पीछे लगा हुआ है। लेकिन याद रखना भैया, ये माया भी किसी की सगी नहीं होगी। गुमान मत करना, समय का कोई पता नहीं रहता है कब कितने टाइम क्या हो जाए। इसलिए जितनी भी सांसें हैं, हर एक श्वास में राम नाम का जप करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी का संसार देखो कि पत्नी से भी जो प्रेम करते हैं, संसार के लोग फिर भी बढ़िया हैं, जो तुम्हें शमशान तक पहुंचा देंगे। लेकिन खुद की पत्नी है ना, ये खुद की पत्नी ये केवल और केवल घर की देरी तक साथ दे सकती है। और ये दुनिया वाले तुम्हें खुश संकेत करते हैं, तुम्हारे सुख में हमेशा आगे रहते हैं और दुख में हमेशा पीछे रहते हैं। जब बेटा दूल्हा बन के जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बराती लोग सबसे आगे होंगे। बीच में दूल्हा जा रहा होगा, पीछे से भी बराती होंगे, और जब कोई मर जाए, जब किसी की अर्थी जाए, तो सबसे पहले अर्थी और दुनिया वाले पीछे। यानी सुख में तेरे आगे और दुख में हमेशा पीछे रहते हैं, लिखा है किसी ने। Thank you.
महाराज हरिशन और तारा नन्ना सा बालक रोहितास लेकर के जिस समय चलिया विश्वामित्र चले हैं। आज कहाँ एक राजा होकर के ऐसा समय आया है, राजपाट भी अपना त्याग दिया है और आज बिकने के लिए जा रहे हैं। हरिशन ने कहा है, तारा इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन अपनी जन्मभूमि को कोई नहीं छोड़ता है। आओ चलते चलते अपनी जन्मभूमि को नमन कर लो। तीनों प्राणियों ने झुक करके जन्मभूमि को नमन किया, चले हैं। तो एक कभी कल्पना कर रहा है, क्या दशा थी रानी तारा की, क्या दशा थी पुत्र रोहितास की और क्या दशा थी महाराज हरिश्चंद्र की। एक कभी कल्पना कर रहा है करके कहा, अरे बहन तारा कहां जा रही हो, हमेशा हमारे सुख में साथ दिया। हमेशा हमारे सुख में साथ दिया और आज अगर दुख है तो मुझे भी अपने साथ लगा लो, तुम्हारे बगैर में नहीं रह सकती। और रोकर के बोली है दासी, दासी को बुलाया, अपने हृदय से लगा और कहा, बहन रो नहीं, अगर मेरा जीवन होगा तो दोबारा से दर्शन फिर होगे। बस गया, आगे चले हैं तो क्या देखा है, जितने भी प्रजावासी लोग हैं सभी दौड़ते हुए आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो महाराज हरिशन, मुझे भी अपने साथ लगा लो। हरिशन ने देखा तो चलिया विश्वामित्र से कहा, है गुरुदेव आप हमें जितना भी कष्ट दे लो वो हमें मंजूर है, स्वीकार है, लेकिन कभी मेरी प्रजा को भूल के भी दुख मत देना। और चलते चलते एक विनती है, आपसे निवेदन है। चलिया विश्वामित्र ने कहा है, हरिशन निवेदन कर रहा है या फिर आदेश कर रहा है। महाराज ने जवाब दिया है, गुरुदेव आदेश करने लायक मैं कहां रहा हूं, केवल केवल एक विनती है आपसे। और रोकर के आज बोले हैं महाराज हरिशन, एक विनती है नाते Thank you.
जवाब दिया है गुरुदेव, आप हमें कष्ट दे लो मंजूर है, लेकिन कभी भूल के भी हमारी प्रजा को दुख मत देना। प्रजा को वापस किया है, कहा है भैया चले जाओ, जीवन अगर हमारा होगा तो दोबारा से दर्शन फिर होगे, अगर मेरा जीवन ही नहीं रहा तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ना आ पाए। रो कर के हरिश्चंद चले हैं। चलिए विश्वामित्र ने कहा है एक बात बताओ, हाँ कहाँ बेचने के लिए ले चले, चारों तरफ तो तुम्हारा राज है। बोले आप हमें बेचने के लिए काशी में ले चलो, काशी भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है, आप हमें काशी में ले चलो। तीनों प्राणियों को साथ लिया है और आज महाराज हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा और नन्ना सा बालक रोहितास आज छलिया विश्वामित्र के साथ में चले हैं। और इसी के साथ साथ ये 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, परम सम्मानी भी दुर्वेश यादव, ये मोहित भैया के बड़े भी आए उनकी तरफ से, और लिख रहे हैं ये फरमाइश लंगुरिया। और इसी के साथ साथ ये 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, स्पर्श यादव नगला दोने के रहने वाले उनकी तरफ से, और इसी के साथ साथ ये 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, परम सम्मानी भैया दीपक विचारपुरा के रहने वाले उनकी तरफ से, और इसी के साथ साथ ये 1100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं हमारी बड़ी बहन लाली उर्फ सपना, जो मोहित भैया की ये बड़ी सिस्टर है, उनकी तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रही है। भगवान का नया कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये बाल कृष्ण भगवान की आइए, भैया की जो फरमाइश है ज्यादा ना कहते हुए आई एक लाइन में। आज महाराज हरिश्चंद और उनकी पत्नी तारा नन्ना सा बालक रोहितास जब चले हैं तो क्या देखा है, कुछ दूर ही निकल पाए थे, रोहितास को इतनी आया जो बेटा बेहोश होके जमीन पर गिर गया है। तारा ने देखा, जवाब दिया है महाराज इस बच्चे को जल पिला दो, बालक अगर चला गया तो इस बालक के बगैर हमारा रहना नहीं होगा। हरिश्चंद ने थोड़ी हवा की है तो क्या देखा, बच्चे को होश आ गया, पुनः उठाए आगे चले हैं, कुछ दूर निकल ही पाए थे, तब तक क्या देखा है, रोहितास को पुनः से इतनी तेजी से चक्कर आया जो लाला का पैर फिसला, जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। तारा ने देखा, जवाब दिया है बस महाराज अब मैं अपने बेटा को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, तुम्हें पता है कि बेटा के बगैर इस माँ का एक मिनट के लिए भी जीना नहीं होगा, अगर लाला चला गया तो माँ का जीवन जीवन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा जल पिला दो ताकि बेटा को होश आ जाए। और रोकर की रानी तारा बोली है सुनो महाराज,
नाथ मेरी कोई गोद खाली और प्यासों मर रो मेरो जवाब दिया है तारा, एक माँ होने के नाते दुख अगर तुम्हें है तो पिता होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर क्या करूं तारा। अब बोले अपने बालक को पुनः उठाया, क्या देखा है कुछ हवा की तो बालक को होश आया। विश्वामित्र ने कमंडल आगे कर दिया, अरे से बच्चे को जल पिला दो, अगर ये मर गया ना तो तुम्हारी औकात नहीं बनी है, ये तुम मेरा ऋण चुका सको। बेटा ने सुना तो जवाब दिया है, अरे गुरुदेव क्या कह रहे हो, रो करके बेटा बोल उठो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। जब तक पिता का राज रहेगा पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, मैं पानी की तरफ देखूंगा भी नहीं। बच्चे को लिया, कुछ समय बाद हरिश्चंद्र आज काशी नगरिया में प्रस्थान करते हैं। आवाज लगाई है काशी के लोगों, जिस किसी को पुरुष की जरूरत हो, स्त्री की जरूरत हो, बच्चे की जरूरत हो तो आकर के खरीद सकता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन सुबह नगरी के बीच में तीनों प्राणियों को कोई खरीदने वाला नहीं आया।
शाम हुई तो क्या देखा, कालू मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल कर लिया। कहिए बाबा जी क्या मोल है इस पुरुष का, जवाब दिया 20 बार सोना। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा कालू मेहतर को, सामने खड़े हो गए। देखिए कहते कि समय को बदलते देर नहीं होती, कहां एक राजा होकर के आज मेहतर के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए और कहा है भैया तू मुझे खरीद ले, तेरा जो भी कार्य होगा मैं बुखार करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, लेकिन तू मुझे खरीद ले ताकि मैं इन बाबा जी का ऋण चुका सकूं। और रोकर के हरिश्चंद्र बोले ने कालू मेहतर के सामने हाथ जोड़े और कहा भैया मुझे खरीद ले। कालू मेहतर को दया गई, आज कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। ब्राह्मण ने आकर के रानी तारा और बेटा रोहितास को खरीद लिया है। तारा को जाता हुआ देखा तो हरिश्चंद्र दूर से आवाज लगाने लगे, तारा हम जैसा पापी, हम जैसा नीच इस दुनिया में कोई नहीं होगा, जो अपनी ऐसी पतिव्रता स्त्री को मैंने अपने हाथों से ही बेच दिया है। इंसान के ऊपर कितनी भी आपत्ति आ जाए लेकिन धर्म की पत्नी को कोई नहीं बेचता है। तारा मुझे तारा ने कहा है अरे महाराज इसमें रोने की बात क्या है, मैं आपकी पत्नी हूँ और ये शरीर आपका है, अधिकार आपका है, चाहे टुकड़े टुकड़े में विभाजित ना क्यों ना कर दो, लेकिन ये बात कही सो कही दोबारा से जवाब पर मत लाना। चले हैं तीनों प्राणी, कालू मेहतर के यहाँ हरिश्चंद्र पहुंचे तो कालू मेहतर ने गला दे दिया और कहा अरे हरिश्चंद्र आज से तेरा नाम है हरिया और ले ये गला नहीं तो तुझको जल भरना पड़ेगा। एक दुकान नियुक्त कर दी, जब भी भूख लगे तो भोजन ग्रहण कर लेना, लेकिन छलिया विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। प्रथम दिन भोजन करने के लिए गए, बिल्ली का रूप धारण करके आ गए। हरिश्चंद्र ने सारा भोजन उस बिल्ली को खिला दिया। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि 26 दिन व्यतीत हो गए, हरिश्चंद्र ने अंजल ग्रहण नहीं किया। शरीर सूख के जर्जर हो गया, अब इतनी भी शरीर में शक्ति नहीं है जो महाराज पानी लाए तो लाए कैसे। एक बार गए हैं तो घड़ा तो भर लिया हरिश्चंद्र ने, लेकिन अब उठवाए कौन, सहारा कौन लगाए। साथ साथ में आपको एक बात और बता दें, कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र ने गंगा से जल भरा था, कोई कहता है यमुना से भरा था, तो कोई कहता है महाराज सरयू से भरा था। अनेक अनेक कवि हैं और अनेक अनेक मत हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, तब गंगा जी आई भी नहीं थी, और ये जो गंगा जी आई थी महाराज हरिश्चंद्र की 13वीं पीढ़ी पर आई थी, तब गंगा नहीं थी। एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम था पारुड़ी नदी, उस नदी से इन्होंने जल भरा था।
गला भर लिया, जब उठाने में नहीं उठा तो दूर से तारा को देखा, तारा को निहारा तो हरिश्चंद्र रो करके बोले, रानी तारा कृपा अगर हो जाए तो मेरा गला उठवा दीजिए। और रोकर की कहे लगे, तारा से निवेदन किया है, तारा ने साफ साफ कह दिया है, महाराज आप एक मैत्र के यहाँ काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, मैंने गला उठवाया तो मेरा धर्म चला जाएगा, आप जल के अंदर प्रवेश हो जाइए, जल का थोड़ा सा सारा लगेगा आपका गला उठ जाएगा। हरिश्चंद्र ने वो ही कार्य किया, गला तो उठा लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, आगे चले इतनी तेजी से चक्कर आया, गड़ा था वो जमीन में गिर के फूट गया है, फूटा हुआ गड़ा उठा लिया है। पहुंचे हैं कालू मैत्र ने देखा, जवाब दिया है, क्यों रे हरिया ऐसे नित्य गड़ा फोड़ेगा, कहां से लाएंगे, ये ले लाठी ये ले कम्बल, जाकर के शमशान में पहुंच जा, आज से गड़ा भरने का काम खत्म, जो भी मुर्दा आएगा बिना कर और कफन के जलने मत देना, आज से तेरा यही काम है। हरिश्चंद्र ने आंखों में आंसू भर लिए, लाठी ले ली, हाथ में कम्बल ले लिया और जाकर के आज राजा शमशान में पहुंच गया। इधर ब्राह्मणी के यहाँ रानी तारा रह रही थी, तो ब्राह्मणी ने एक दिन कहा है, अरे बेटी हमें पूजा करनी है, पुष्पों की आवश्यकता है, तो अपने बेटे को जरा भेज दो, थोड़ा पुष्प ले आए। तारा ने सुना तो बेटे को पास बुलाया और कहा है, रोहतास चले जाओ, ज्यादा नहीं थोड़े से पुष्प लेकर के चले आना। मैया की बात को सुना तो लाला ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से टूटी सी छबड़िया को उठाया और चलने के लिए उतर हुए। ऐसा ही नहीं, अरे माति की वातन पे लेट लिया हाथन में, ओ मरे चलो चलो।
बेटा बगीचे में जैसे ही पहुंचा है, पुष्प देखा है बड़ा सुंदर है, चलिए विश्वामित्र को कहां चैन, जा करके आज सर्प बनकर के उस पुष्प में ही बैठ जाते हैं। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चलिए विश्वामित्र ने आज रोहिताश की उंगली को काट लिया है। आज लाला हाय माँ कह करके जमीन पर गिर गया है। काशी में जाकर के आवाज लगा दी, लोगों किसी का बड़ा सुंदर सा बालक पुष्प लेने के लिए गया था, किसी जहरीले सर्प ने काट लिया, जिस किसी का बालक वो जाकर के देख ले। तारा के कानों में आवाज पड़ी तो मैया आज नंगे पैर ही बाग खड़ी हुई बगीचे में पहुंची। जैसे ही अपने बेटा को देखा, लाला को उठा लिया और कहने लगी, जवाब दिया रोहिताश, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरे पुत्र, अभी तो अच्छी तरीके से तुम आए थे, आज रोई है तो कुछ देर बाद रोहिताश ने को हुंकार भरी और कहा, माँ मैं अभी तो जीवित हूँ लेकिन ये तो कनपरहम है कि मैया मैं बच नहीं सकता हूँ, क्यों क्या हुआ? तो रोहिताश ने कहा, माँ मुझे किसी जहरीले सर्प ने काट लिया, लेकिन जाते जाते माँ आपसे एक बात जरूर कहेंगे, हम चले भी जाएं तो आप रोना नहीं। और इसी के साथ साथ ये हमारे मौसा जी की तरफ से ये 501 रुपए भिजवा रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, जो क्रिया के रहने वाले उनकी तरफ से। और अभी शायद मौसा जी की ड्यूटी भी चौबिया में चल रही है, तो आशा करते हैं मौसा जी के जीवन में वही खुशियाँ आती रहें, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज तारा ने अपने बेटा को देखा तो रोहिताश ने जवाब दिया, हे माँ अगर मैं संसार से जुदा होकर के चला भी जाऊं तो अपने दिल में पत्थर रख लेना हो, ये समझ लेना कि मेरी कोख में पत्थर ही पड़ गए थे, मैंने किसी भी बेटा को जन्म नहीं दिया। और रोकर के लाला बोला, माँ से कह रही है, अब बालक तुम्हारा बचने वाला नहीं है। और रोहिताश बोले, माँ आरे दुख सुख की जो कछु का सर अपनी मैया की गोदी में एक तरफ रुक गया। तारा ने अपने बेटा को देखा तो आज बगीचे में बुरी तरीके से टकरा रही है। जवाब दिया है रोहिताश, क्या हुआ मेरे पुत्र?
जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरे पिता ने तेरे नाम पर लाखों की दौलतों को लुटवा दिया था।